हरियाणा रोडवेज की फ्लाइंग ने व्हाट्सएप ग्रुप का किया पर्दाफाश। युवक व्हाट्सएप ग्रुप से रोडवेज फ्लाइंग की लोकेशन शेयर करते थे। रोडवेज को यह लाखों रुपए का चूना लगा रहे थे। व्हाट्सएप ग्रुप में 142 सदस्य शामिल थे। जींद आर्मी के नाम से इन युवकों द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। रोडवेज विभाग ग्रुप एडमिन के खिलाफ अब कार्रवाई अमल में लाएगा। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर फ्लाइंग की लोकेशन दे रोडवेज विभाग को युवा लाखों रुपए का चूना लगा रहे थे। जींद रोहतक नेशनल हाईवे 352 पर रोडवेज फ्लाइंग ने चेकिंग के दौरान ग्रुप एडमिन को पकड़ा है। विभागीय अधिकारी ने बताया कि फ्लाइंग जींद रोहतक रोड पर चेकिंग कर रही थी। उस दौरान उन्हें इस ग्रुप के बारे में पता चला जिसमें 142 बच्चे जुड़े हुए थे। टीम ने ग्रुप के एडमिन को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। रोहतक रोड के ऊपर हमारी चेकिंग टीम गाड़ियों को चेक करने के लिए गई थी और वहाँ पर जो कुछ विद्यार्थी विदाउट पाए गए और कुछ विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे। रोडवेज की टीम तो क्या पाया गया वहाँ पर? जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए विद्यार्थी थे वो मिले हैं। उनमें एक बच्चा पूरा डर गुआने का था, उसको भी पकड़ा गया है। उसके माता पिता को भी अवगत करा दिया गया है इसके बारे में और बाकी छानबीन चल रही है चेकिंग टीम द्वारा। और छानबीन के बाद जो भी स्थिति निकलेगी उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मतलब क्या कर रहे जाते किस तरह की क्या कर रहे वो व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं कि भाई लोकेशन देते हैं वो चेकिंग टीम की लोकेशन देते हैं स्थिति बताते हैं वो कौन कौन सी जगह के ऊपर है। जैसे ही चेकिंग टीम गाड़ी को चेक करने के लिए गई तो जो ग्रुप एडमिन था वो भागने की कोशिश कर रहा था और हमारी चेकिंग टीम द्वारा उसको पकड़ लिया गया है और उसको पकड़ने के बाद छानबीन चल रही है। व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन था भाई, उसको पकड़ लिया गया और छानबीन चल रही है। छानबीन पूरी होने के बाद उसके खिलाफ भी बाकी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, और वो भी कर दियो। अरे वो कमांडर जरूर करे, आगरा को कमी पैसे लागत है।